डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्रेड फास्टनर्स स्क्रू जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किन्हीं भी दो डिवाइसेस को जब आपस में जोड़ा जाता है तो हम उसमें परमानेंट या टेंपरेरी फास्टनिंग के एप्लीकेशन से उनको जोड़ते हैं। रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट एक तरह की परमानेंट फास्टनिंग्स हैं और स्क्रू जॉइंट्स जो हैं एक तरह की टेंपरेरी फास्टनिंग। टेंपरेरी फास्टनिंग का मतलब है कि इसको हम असेंबल और डिसेंबल दोनों कर सकते हैं। परमानेंट फास्टनर्स जिसमें कि आपने जो भी फास्टिंग डिवाइस या युक्ति यूज़ की है उसको ब्रेक करने के बाद ही आप इन दोनों डिवाइसेस को अलग कर सकते हैं। हम कुछ स्क्रू जॉइंट्स के थ्रेड फास्टनर्स के फीचर्स को पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्क्रू थ्रेड? स्क्रू थ्रेड को अगर हम जनरली डिस्क्राइब करें तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस पे हेलिकल जो है कंटिन्यूस हेलिकल ग्रूव कटा हुआ है, इसको अगर हम जनरल टर्म में डिफाइन करें, और अगर हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक डिफाइन करें तो ये किसी सिलेंडर की इंटरनल या एक्सटर्नल सरफेस पर एक हेलिक्स की फॉर्म में यूनिफॉर्म सेक्शन रिज की फॉर्म में कटा हुआ है। स्क्रू जॉइंट जो है मेनली जॉइंट जो है वो दो कंपोनेंट्स या दो एलिमेंट्स पे डिस्क्राइब किया जाता है, बोल्ट एंड नट। जो दो डिवाइस आपको जोड़नी है, आपस में जोड़नी है तो उसमें हमें बोल्ट एंड नट दो एप्लीकेशन बनानी पड़ेंगे और उनमें हम उनको जॉइन कर देंगे। ये हाईली रिलायबल ऑपरेशन है जिसको कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से असेंबल या डिसेंबल कर सकते हैं। इसको हम इसलिए टेम्पररी फास्टिंग एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ये जो जॉइंट है ये प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट है, चीप है, स्टैंडर्ड वन है, पर इसमें क्योंकि जहाँ स्ट्रेस थ्रेड पोर्शन आता है वहाँ सेक्शन लीक हो जाता है, तो वहाँ ड्यू टू फोर्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण वेरिएबल लोड कंडीशंस में प्रॉब्लम रहती है। इससे सेफ होने के लिए हम एक एप्लीकेशन है बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, उसको भी यूज़ करते हैं। जो स्क्रू थ्रेड्स हैं वो वेरियस एप्लीकेशंस के हिसाब से वेरियस शेप्स में मिलती हैं। हम उसको ना डिस्कस करके अभी अपनी डिज़ाइनिंग पर्पज से जो थ्रेड्स हैं उसके पार्ट्स को पहले या उसकी शेप्स को पहले डिसाइड करते हैं। जो थ्रेड की एक्सिस है जिसकी सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर आपने थ्रेड कट की है, वो जो पैरेलल है उसमें दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो हैं एडिशन थ्रेड के, उनको अगर उनके बीच की दूरी को एक्सिस के पैरेलल नापते हैं तो उसको थ्रेड पिच कहते हैं। यूनिफाइड स्क्रू होता है उसमें इसको TPI थ्रेड पर इंच के नाम से भी डेजिग्नेट किया जाता है। इसके अलावा जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो वेरियस डायमीटर्स, क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, ये सब उसके थ्रेड के पोर्शंस हैं। जो स्क्रू थ्रेड्स हैं वो मेनली टॉर्क में, एक्सियल कंप्रेसिंग लोड में और बेंडिंग से सब्जेक्टेड होती है। स्क्रू थ्रेड जो है जनरली लो कार्बन स्टील से बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी इनकी एप्लीकेशंस के आपसे मटेरियल चेंज होता है, ये हीट ट्रीटेड भी हो सकते हैं। जो थ्रेड्स हैं वो थ्रेड कटिंग या थ्रेड रोलिंग मेथड से जनरली बनाई जाती हैं। जो स्क्रू थ्रेड्स हैं उनको जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ईल या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बेसिस को डिज़ाइन करते हैं उनको। और जो स्क्रू थ्रेड्स हैं वो स्टैटिक लोडिंग विदर विदाउट प्री स्ट्रेस या डायनेमिक लोडिंग जिसमें कि रिपीटेड लोडिंग या इम्पैक्ट लोडिंग भी होती है से सब्जेक्टेड होती है। ये एक जनरल स्क्रू थ्रेड के फीचर्स हैं और ये एक फिगर है जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि स्क्रू थ्रेड किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। इसके मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर जिसको कि कोर डायामीटर भी बोलते हैं, पिच डायामीटर, पिच, एंगल ऑफ थ्रेड, क्रेस्ट, रूट, डेप्थ ऑफ थ्रेड, नॉमिनल डायामीटर, फ्लैंक इत्यादि को शो किया गया है। स्क्रू थ्रेड्स को जब हम डेजिग्नेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 1362 एंड IS 4218 पार्ट 4 1976 जो कि बाद में 1996 में रीअफर्म कर लिया गया, इसको कंप्लीट डेजिग्नेशन दिया जाता है जिसमें कि हम दो तरह की डेजिग्नेशन देते हैं, साइज डेजिग्नेशन एंड टॉलरेंस डेजिग्नेशन। टॉलरेंस जो डेजिग्नेट करते हैं उसमें हम एक नंबर और एक लेटर शो करते हैं जो कि उसकी टॉलरेंस की ग्रेड और टॉलरेंस की पोजिशन को डिफाइन करता है। साइज में हम टाइप ऑफ थ्रेड, उसका नॉमिनल डायमीटर और पिच इसको रिज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको प्रदर्शित किया गया है, जैसे M12 into 1.25, यहाँ पर M स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक थ्रेड
12 is in millimeter for major or nominal diameter and 1.25 pitch in millimeter. तो एक एग्जांपल और लेते हैं स्क्रू थ्रेड को डेजिग्नेट करने के लिए M6-8D. इसका मतलब है कि 6 मिलीमीटर साइज का कोर्स पिच की एक थ्रेड है जिसकी नॉर्मल या मीडियम टॉलरेंस ग्रेड है और वो डेजिग्नेट की गई है एक्सटर्नल थ्रेड के मेजर डायमीटर के ऊपर। जो मेजर डायमीटर होता है वो टॉप डायमीटर होता है थ्रेड क्रेस्ट का। थ्रेड साइज जो है नॉमिनल साइज है और एक्चुअल मेजरमेंट की जाती है। अब हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं कि जो स्क्रू थ्रेड्स हैं उसमें स्टैटिक लोडिंग है उसके हिसाब से किस तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो तीन प्रकार की हैं। इनको हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं। इनिशियल स्ट्रेस जो कि जस्ट थ्रेड्स को हम स्क्रू अप करते हैं तो उसमें डेवलप होती हैं। फिर उसके ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं तो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी एक ही प्लेन के ऊपर एक से अधिक स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस उनकी वजह से भी स्ट्रेसेस अलग से जिसको प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलते हैं वो भी थ्योरी अप्लाई करते हैं और उसमें भी उसकी चेकिंग करते हैं फेलियर चेकिंग। इन सभी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बोल्ट और स्क्रू या स्टोड जिसको कि हम आपस में जब टाइट करते हैं उसकी वजह से कौन कौन सी इसमें स्ट्रेस डेवलप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बोल्ट को स्ट्रेच करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है जिसको हम इनिशियल टेंशन बोलते हैं। PI का नाम दिया है उसको हमने यहाँ पर। यदि हमें कोई ऐसा जॉइंट बनाना है जो फ्लूड टाइट जॉइंट हो जहाँ से कोई भी गैस या लिक्विड उस जॉइंट से बाहर लीक नहीं हो लीक प्रूफ जॉइंट हो तो वहाँ PI 2840D ये हमने एक्सपीरियंस से निकाला है 2840D न्यूटन। और अगर नॉन फ्लूड टाइप जॉइंट हो रिक्वायरमेंट नहीं हो फ्लूड टाइप जॉइंट की तो उसको हम हाफ कर लेते हैं 1240D जहाँ पर कि डी डायमीटर है उसका। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो बोल्ट है उसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेस किया गया है इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो सेफ है। अगर वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस नहीं किया गया है तब हम उसको की जो है परमिसेबल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया एट बॉटम। बॉटम पे जो है DP और DC दो थ्रेड्स हैं तो उनका बॉटम एरिया जो है उन दोनों का मीन लेके निकालते हैं DP + DC/2 उसका स्क्वायर इनटू π/4 ये बॉटम एरिया जाता है उसको परमिसेबल स्ट्रेस से गुणा करके हम उसका लोड निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इनिशियल टेंशन उससे प्राप्त करते हैं और इस इनिशियल टेंशन से उसमें उत्पन्न होने वाली स्ट्रेस को ज्ञात किया जाता है। दूसरी इसमें जब हम बोल्ट थ्रेड को आपस में बोल्ट एंड को आपस में टाइट करते हैं तो उसको हम घुमाते हैं रिपीट करते हैं नट या बोल्ट को तो उसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेस जो कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ थ्रेड्स की वजह से भी डेवलप होती हैं जिसको हम टॉर्क के बेस पर डिज़ाइन करते हैं। और फार्मूला है T = π/16 FS DC2 DC को डायमीटर और FS जो है उसकी परमिसिबल टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस है जो कि थ्रेड्स मटेरियल के अंदर परमिसिबल है। तीसरी स्ट्रेस जो है टाइटनिंग की वजह से शीयर स्ट्रेस अक्रॉस द थ्रेड्स। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट कर रहे हैं तो शीयर स्ट्रेस डेवलप होगी बोल्ट एंड थ्रेड्स में और उसके अंदर हम उसकी वजह से भी फेलियर हो सकता है। या तो वो रूट एरिया से शीयर हो जाएगी थ्रेड आइदर इन बोल्ट और आइदर इन नट जो भी वीडियो। तो यहाँ दोनों इक्वेशन हमने यूज़ की हैं FS = P/πDC/VN क्योंकि बोल्ट के लिए DC मिनिमम डायमीटर है तो वहाँ पर DC लिया गया है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट हैं जो कि आपस में इंगेज है। इसी तरह से अगर नट पे लेंगे तो वहाँ पर मिनिमम डायमीटर जो आएगा वो जो थ्रेड का बोल्ट का पोर्शन का नॉमिनल डायमीटर है उसको लेकर कैलकुलेट करेंगे। अगर हम उसकी टाइटनिंग को बढ़ाएंगे तो थ्रेड जो हैं दब भी सकती हैं क्रश भी हो सकती हैं। उसको हम अगर फाइंड आउट करना चाहें फिगर से तो कंप्रेशन जो स्ट्रेस है वो है P/πD²-DC²(N) इससे हम उसका क्रशिंग स्ट्रेस भी निकाल के फाइंड आउट करते हैं। जो बोल्ट है उसका जो शैंक पोर्शन है अगर टाइट करेंगे तो वो बैंड भी हो सकता है। उसके लिए फार्मूला हम ले सकते हैं अगर उनकी दोनों की बोल्ट और नट की एक्सिस आपस में मिसअलाइन हो तो F = XE/2L जहाँ पर X जो है डिफरेंस है उन दोनों के एक्सट्रीम कॉर्नर्स की हाइट का और लेंथ शैंक की जो लेंथ है उसको L करके हम ये स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ये तो जो स्ट्रेसेस अभी हमने डिस्कस किए हैं ये इसलिए कि हम उसको स्क्रू अप करते हैं टाइट करते हैं बोल्ट और नट को तो उसमें
टूट हो सकती हैं। अभी उसमें किसी तरह की एप्लीकेशन फोर्स या एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई नहीं किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो किस तरह की एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। यदि बोल्ट की लेंथ में, थ्रेडेड लेंथ में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है तो वो हम P=π/4DC²ft(N) इससे निकालेंगे। एन नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, पी जो लोड एक टोटल एक्सटर्नल अप्लाई लोड जो लग रहा है, और डीसी जो है आपका नॉमिनल डायमीटर से 0.84 को मल्टीप्लाई करके लेंगे जो कोर डायमीटर। वैसे इसकी एक टेबल होती है स्टैंडर्ड जिस पे आप नॉमिनल डायमीटर और कोर डायमीटर की टेबल है, लेकिन जब वैल्यूज नहीं दी गई हो तो हम कोर डायमीटर को अप्रॉक्सीमेटली 0.84D से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन के हिसाब से अगर बोल्ट में शीयर स्ट्रेस डेवलप होती है तो शीयर लोड जो आप निकालेंगे टोटल लोड को डिवाइड करते हुए नंबर से, नंबर ऑफ बोल्ट से, और π/4D²FS आ जाएगा। इस तरह से हम एक्सटर्नल फोर्सेस से उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस डेवलप हुई है उन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जब जानते हैं कि एक ही प्लेन के ऊपर एक से ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आइदर शीयर और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों निकालते हैं, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमल बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी। इससे हम वैल्यूज निकालेंगे जो कि कैलकुलेशन करके फार्मूले आते हैं, FS मैक्सिमम जो कि परमिसिबल मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है, हाफ FT²+4FS² का अंडर रूट जो है उसकी वैल्यू, और या फिर FT मैक्सिमम 4FS²+FT² का अंडर रूट प्लस FT का एवरेज। ये हम FT, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये परमिसिबल वैल्यूज से अगर कम आती हैं तो जो हमने डिज़ाइन किया गया है वो हमारा सेफ है, उसको सेफ मान रहे हैं। इस तरीके से हम बोल्ट्स की, थ्रेड्स की डायमीटर्स को, लेंथ को डिज़ाइन करते हैं विद यून परमिसिबल लिमिट, जो कि हमें मटेरियल दिया है उसकी परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यूज के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, और जो लोड दिया गया है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन डायमेंशन को हम फाइंड आउट करते हैं। एक एप्लीकेशन लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है और उस पर कवर है और उस कवर को हमने स्ट्रट्स या बोल्ट से टाइट किया गया है। ये पहले फिगर हम समझ लेते हैं कि एक सिलेंडर है उस पर एक कवर लगा हुआ है और उसको हमने D1 डायमीटर के बोल्ट स्ट्रट से कस दिया है उसको पूरा, और नंबर ऑफ बोल्ट इसके ऊपर पूरी पेरिफेरी पे लगाए गए। तो जो फोर्स सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इंटरनल ग्रेस प्रेशर, क्योंकि इसको कवर या हेड पे लगेगा, वो नंबर ऑफ बोल्ट में बराबर डिवाइड होगा, और फिर हम उसकी जो बोल्ट है उसकी थ्रेड की डायमेंशन को फाइंड आउट करें। ये फिगर ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे कैरी ओवर करते हैं कि जो सिलेंडर के कवर पर फोर्स आ रहा है वो है π/4D²×T। T जो है इंटरनल ग्रेस प्रेशर है जो सिलेंडर के अंदर है, और D1 जो है इफेक्टिव डायमीटर है जो कि नॉर्मल जो डायमीटर है उससे कुछ 5 या 7 mm अलाउंस लेकर जोड़ के निकाला जाता है। ये जो फोर्स है ये अगर n नंबर ऑफ बोल्ट द्वारा एडजस्ट किया जा रहा है तो एक बोल्ट द्वारा एडजस्ट किया गया होगा तो उसको n से डिवाइड कर देंगे टोटल फोर्स को, और बोल्ट क्योंकि टीयरिंग में है इसलिए π/4DC²FT से इक्वेट करके हम उसका कोर डायमीटर DC प्राप्त कर लेंगे, और फिर उससे हम नॉमिनल डायमीटर भी प्राप्त कर सकते हैं। जो सर्कमफ्रेंशियल पिच है बोल्ट की वो मिनिमम जो है 20√D1 से 30√D1 रखी जाती है। जो पिच सर्कल डायमीटर है DP वो जो इसका इफेक्टिव डायमीटर प्लस 3× डायमीटर ऑफ थ्रेड हैं उसके हिसाब से जोड़ के निकल देते हैं। आउटसाइड डायमीटर जो कर का डी आउटर वो D1+6D1 से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल स्टेप्स हैं जिससे हम किसी सिलेंडर और उसके ऊपर लगने वाले कर पे अकॉर्डिंग टू जो प्रेशर एंड मटेरियल और जो स्ट्रेस वैल्यूज दी गई हैं उसके हिसाब से हम इनकी वैल्यूज निकाल के थ्रेड के पोर्शंस को ज्ञात किया जाए। इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं क्योंकि, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है कि जो हम उसको स्क्रू अप कर रहे हैं उससे क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या फोर्सेस उसमें डेवलप हो रही हैं, उससे हम बोल्ट और स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड पैरामीटर से बाकी वैल्यूज को ज्ञात कर सकते हैं कि वो किस तरह से डिज़ाइन की जाती है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कपलिंग्स हैं आपकी, वहाँ पर भी थ्रेड बोल्ट लग सकते हैं आपके नंबर, तो जहाँ भी थ्रेड बोल्ट है वहाँ पर फोर्स को आप नंबर ऑफ बोल्ट्स को डिवाइड करके नट और बोल्ट दोनों को डिज़ाइन करके आप उनकी डायमीटर्स को प्राप्त कर सकते हैं।